काली तेरी चोटी है परांदा तेरा लाल जब भी दूरदर्शन की बात होती है तो इनके अनगिनत धारावाहिकों में रामायण और महाभारत पहले पायदान पर खड़े नजर आते हैं। महाभारत का जिक्र छिड़ते ही आज भी इसके सभी पात्र एक एक करके आंखों के सामने जीवंत हो उठते हैं। हर किरदार अपने आप में संपूर्ण था, लेकिन इनमें द्रौपदी का किरदार हर किरदार से बिल्कुल अलग था, क्योंकि एक असाधारण स्त्री होकर भी द्रौपदी ने अपने जीवन में बहुत कष्ट झेले, काफी तिरस्कार झेले। द्रौपदी कहते ही सिर्फ एक नाम याद आता है, रूपा गांगुली जी का। जी हाँ, वही रूपा गांगुली जिनके हिस्से में महाभारत का सबसे कठिन और चैलेंजिंग दृश्य आया, जिसे उन्होंने अपने धारदार संवाद, अदायगी और मार्मिक अभिनय से केवल एक टेक में पूरा कर दिखाया। तो सीन था द्रौपदी का चीरहरण। अभिनय की दुनिया में रूपा गांगुली नई नहीं थी, पर द्रौपदी बनकर उन्हें ऐसा स्टारडम मिला कि सिनेमाई की दुनिया के लोग भी अवाक रह गए। आज की इस वीडियो में हम रूपा गांगुली के लाइफ से जुड़ी वो बातें बताने वाले हैं जिनके बारे में शायद ही आप जानते हो। आखिर बी आर चोपड़ा जैसे दिग्गज ने रूपा गांगुली को ही क्यों चुना? महाभारत के सेट पर ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण वो खूब रोई? देशभर के लिए एक सेलिब्रिटी बन चुकी रूपा गांगुली अपने करियर के पीक पर जाकर आखिर क्यों इंडस्ट्री से गायब हो गई? अपनी प्रसिद्धि की कीमत अपने मैरिटल लाइफ में कैसे चुकाई? साथ ही जानेंगे आखिर क्यों अपने से 13 साल छोटे बॉयफ्रेंड के साथ उन्हें लिव इन में रहना पड़ा, और बताएंगे वो वाकया जब 20 लोगों की हिंसक भीड़ ने न सिर्फ रूपा के साथ छेड़खानी की बल्कि उन पर इतनी बहरहमी से हमला किया कि उनका ब्रेन हैमरेज तक हो गया था। रूपा का एक्टिंग की ओर कोई रुझान नहीं था, फिर वो सिनेमा में कैसे आई? क्लासिकल डांस में माहिर और रविंद्र संगीत की गायिका रूपा गांगुली का कैसा रहा अब तक का करियर? साथ ही जानेंगे उनके निजी जीवन से जुड़ी कुछ और बातें। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। मेरा नाम संदीप है और आप देख रहे हैं लाइफ स्टोरियन बायोग्राफी। हिंदी और बंगाली टीवी शोज और फिल्मों की अभिनेत्री रूपा गांगुली का जन्म 25 नवंबर 1966 को पश्चिम बंगाल में कलकत्ता के पास कल्याणी नामक जगह पर हुआ था। इनके पिता का नाम समरेंद्रनाथ गांगुली और माँ ज्योतिका गांगुली है। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बेलतला गर्ल हाई स्कूल से पूरी की, फिर कलकत्ता के जोगमाया देवी कॉलेज से बीएससी की डिग्री हासिल की। रूपा ने कभी एक्टिंग या फिर मॉडलिंग में करियर बनाने का नहीं सोचा था, लेकिन इनके एक रिश्तेदार ने उन्हें एक बार ट्राई करने के लिए इंस्पायर किया। उन्हीं दिनों बिजॉय चटर्जी रविंद्रनाथ टैगोर की शॉर्ट स्टोरीज पर एक लघु हिंदी फिल्म निरुपमा बना रहे थे, जिसके लिए उन्हें एक फ्रेश चेहरे की तलाश थी। मन्ना होते हुए भी अपने एक आंटी के कहने पर रूपा ने ऑडिशन दिया। उस ऑडिशन में तो वो पास हो गईं। ये सीरियल डीडी नेशनल पर प्रसारित हुई थी और इस तरह जाने अनजाने वो फिल्मों में आ गईं। 1980 में वो अनिल कपूर की फिल्म साहेब में सपोर्टिंग रोल में नजर आए, फिर बंगाली सीरियल मुक्ताबंद में उनके काम को काफी सहारा गया। 1988 में हिंदी टीवी धारावाहिक गणदेवता में काम कर उन्होंने काफी प्रसिद्धि पाई। आइए बात करते हैं महाभारत में उन्हें द्रौपदी का रोल कैसे मिला। दरअसल पंडित नरेंद्र शर्मा ने रूपा को टीवी शो गणदेवता में देखा था और बी आर चोपड़ा से उनकी सिफारिश की थी। सच तो यह है कि द्रौपदी के रोल के लिए जूही चावला, राम्या कृष्णन और रूपा गांगुली समेत 6 अभिनेत्रियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। जूही ने तो अपने डायलॉग के रिहर्सल तक कर ली थी, मगर कयामत से कयामत तक में लीड रोल मिलने के बाद उन्होंने इसे छोड़ दिया। जूही के बाहर होते ही रूपा गांगुली को इसके लिए फाइनल कर लिया गया, क्योंकि इस रोल के लिए एक और दावेदार राम्या कृष्णन के मुकाबले रूपा की हिंदी थोड़ी बेहतर थी। उनका स्क्रीन टेस्ट देखने के बाद चोपड़ा साहब को यह यकीन हो गया कि द्रौपदी की भूमिका रूपा से अच्छा कोई नहीं निभा सकता। उन्हें इस अभिनेत्री में अपने किरदार के लिए एक स्पार्क दिखाई दिया। जब महाभारत 1988 में प्रसारित हुआ तो एक अलग ही इतिहास लिखा। द्रौपदी के रूप में रूपा जल्द ही घर घर जानी गई। यूं तो महाभारत के किरदारों और डायलॉग्स और कई दृश्यों को आज भी याद किया जाता है, पर चीरहरण का वो दृश्य देखने वाले की नहीं बल्कि उसे निभाने और फिल्माने वाले सभी की हालत खराब हो गई थी। एक इंटरव्यू में बी आर चोपड़ा के बेटे रवि चोपड़ा ने बताया था कि उनके सामने चीरहरण के सीन को शूट करना काफी बड़ा चैलेंज था। इनमें एक स्त्री के अपमान को दिखाना भी था और वो भी बिना अश्लीलता के। इस सीन के शूट होने से पहले ही रूपा को पूरा सीन समझाया गया। रवि चोपड़ा ने उनसे कहा था कि एक औरत का अपमान हो रहा है जिसके तन पर केवल एक कपड़ा है।
अब आपके मन में क्या फीलिंग होगी इसको ध्यान में रखकर परफॉर्म आपको करना है। रूपा ने अपने सारे डायलॉग्स एक कमरे में अकेले बैठकर याद किए। वो अपने कैरेक्टर में पूरी तरह से डूब चुकी थी और जब सीन शूट होने लगा तो डायलॉग्स बोलते बोलते बीच बीच में ही अचानक फूट फूट कर रोने लगी। वो रोती जा रही थी। वो इतनी भावुक और आहत महसूस कर रही थी कि उन्हें चुप कराने में पूरी यूनिट को आधे घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। उन्होंने दोबारा इसे किया, द्रौपदी को अंदर कक्ष से घटित कर सभी के सामने लाने तक और चीर हरण होने तक पूरा सीन रूपा ने केवल एक टेक में कर दिखाया। इस सीन में उनके भावपूर्ण और प्रखर संवाद अदायगी आज भी हैरत में डाल देती हैं। उनका रोककर हाथ जोड़कर अपनी लाज बचाने की गुहार लगाने वाला सीन पूरे महाभारत के यादगार दृश्यों में से एक बन गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दौरान चीरहरण के सीन को शूट करने के लिए करीब 250 मीटर की अनकट साड़ी का खास तौर पर ऑर्डर दिया गया था। हालांकि रूपा ने 6 मीटर की ही साड़ी पहनी थी, स्पेशल इफेक्ट्स के जरिए सीन में 250 मीटर की साड़ी को दिखाया गया था। इसी से जुड़ा एक और वाक्य है। दुशासन का रोल कर रहे विनोद कपूर रूपा गांगुली को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। दरअसल महाभारत का चीरहरण वाला सीन रूपा के लिए काफी अजीब और कश्मकश भरा था, क्योंकि वो द्रौपदी के रोल में इतना ढल गई थी कि असल जिंदगी में भी उनको विनोद कपूर दुशासन ही नजर आते थे। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि विनोद बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन उनसे बात करने में उन्हें काफी अजीब लगता था। चीरहरण का सीन करने से पहले और बाद में भी उन्होंने दुशासन यानी विनोद कपूर से कभी बात नहीं की। द्रौपदी के किरदार से निकलने में उन्हें करीब 2 साल का वक्त लगा था। महाभारत ने उन्हें इस कदर मशहूर बनाया कि उनका करियर अचानक बूम कर गया। फिल्म इंडस्ट्री में उनकी राह और आसान हो गई। द्रौपदी की भूमिका के बाद उन्होंने 1989 में रेनॉल्ड सेन की फिल्म एक दिन अचानक में अभिनय करने का मौका मिला। इसके बाद इन्होंने पंकज कपूर और सुप्रिया पाठक के साथ फिल्म कमला की मौत में काम किया। 1991 में इन्होंने अक्षय कुमार की पहली लीड रोल फिल्म सौगंध में काम किया, फिर मीना बाजार और 1992 में विरोधी में काम किया। इन सभी में वो सपोर्टिंग रोल में नजर आई थी। इसके अलावा इन्होंने कुछ तेलुगु और मलयालम फिल्मों में भी काम किया, फिर उनका बंगला फिल्मों की ओर झुकाव हुआ। 1993 में गौतम घोष की अवार्ड विनिंग फिल्म पद्मा नदीर मांझी में वो लीड रोल में नजर आई। 1995 में अपर्णा सेन की फिल्म युगांत में न सिर्फ उनके अभिनय की जमकर तारीफ हुई बल्कि इसके लिए उन्हें कई पुरस्कार भी मिले। फिर रूपा ने ऋतुपर्णा घोष की बारी वाली में काम किया। 2006 में एक बार फिर ऋतुपर्णा घोष की ही फिल्म अंतरमहल में उनके अभिनय ने लोहा मनवाया। इस फिल्म के लिए उन्हें काफी प्रशंसा मिली। इसके अलावा इन्होंने हिंदी और बंगला के कई टेलीविजन शोज में भी काम किया, जिसमें सुकन्या, कर्म अपना अपना, लव स्टोरी, वक्त बताएगा, कौन अपना कौन पराया, कस्तूरी, अगले जन्म है बिटिया ही की जो, और कुछ तो है तेरे मेरे दरमियान जैसे सीरियल्स शामिल हैं। साल 2012 में आई फिल्म बर्फी में भी रूपा ने काम किया था। आइए बात करते हैं उनके निजी जीवन के बारे में। दोस्तों, रूपा ने ऐसे वक्त पर शादी का फैसला किया जब वो अपने करियर के टॉप पर थी। 1982 में इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर ध्रुव मुखर्जी से शादी कर ली और एक्टिंग छोड़कर अपने पति के साथ कोलकाता शिफ्ट हो गए। हर औरत की तरह रूपा भी अपना गृहस्थ जीवन जीना चाहती थी, पर उनके लिए किस्मत ने कुछ और ही तय कर रखा था। शादी के कुछ ही दिनों के बाद इनकी परेशानियां बढ़ने लगी। वो रोजमर्रा के खर्चे के लिए पूरी तरह पति पर डिपेंडेंट हो गई, लेकिन उनके पति इन सबसे उदासीन रहते। रूपा के हाथ बिल्कुल खाली हो चुके थे। बात धीरे धीरे इतनी बढ़ी कि रोज झगड़े होने लगे। इसी बीच 1997 में उनके बेटे आकाश का जन्म हुआ, लेकिन संबंधों में तनाव बरकरार था। रूपा के काम पर इसका बुरा असर पड़ रहा था। बतौर एक्ट्रेस वो अपनी पहचान खोने लगी और इसको लेकर ध्रुव के साथ उनका मनमुटाव पहले से ज्यादा बढ़ गया। रियलिटी शो सच का सामना में रूपा ने अपनी निजी जिंदगी को लेकर कई बातों का खुलासा किया था। उन्होंने बताया कि उनके पति उनसे काफी इनसिक्योर फील करने लगे थे, क्योंकि रूपा एक सेलिब्रिटी बन चुकी थी, उनका स्टारडम था, लेकिन उनमें उनकी क्या गलती थी। अपनी शादी को बचाने और पति को खुश रखने के लिए इन्होंने अपना करियर तक छोड़ दिया था, घर के तमाम काम खुद किए, लेकिन उनकी सेलिब्रिटीज स्टेटस को उनके पति पचा नहीं पाए और उन पर पहले से ज्यादा नकेल कसने लगे। रूपा का मनोबल बुरी तरह से टूट चुका था। वो इस घुटन से निकलना चाहती थी। जब बात हद पार गई तो 2006 में ध्रुव मुखर्जी से अलग हो गई और 2009 में दोनों ने औपचारिक तौर पर तलाक ले लिया। उनका तलाक सुर्खियों में तो आया, पर इससे बड़ी खबर तो अभी
आने वाली थी। तलाक के बाद रूपा मुंबई अपने फ्लैट पर आ गई थी। पति ध्रुव से अलग होने के बाद वो बिखर गई थी, उन्हें एक सहारे की जरूरत थी। ऐसे वक्त में दिव्यांदु मुखर्जी उनके जीवन में आए। अपने से 13 साल छोटे सिंगर दिव्यांदु मुखर्जी के साथ रूपा लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी, लेकिन ये भी ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। कुछ समय के बाद दोनों अलग हो गए। रियलिटी शो सच का सामना में रूपा ने इस बात को कबूल किया था। 2015 में रूपा एक्टिंग से पॉलिटिक्स में आ गई और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। इसके बाद 2016 में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाई, हालांकि वो हावड़ा नॉर्थ से हार गई थी। इसके बाद उन्हें राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया गया। पिछले 8 साल के सियासी सफर में कई ऐसे मौके आए जब रूपा गांगुली के साथ ना बुरा व्यवहार हुआ बल्कि सरेआम उनके साथ छेड़खानी भी हुई। एक सेलिब्रिटी और नेता होने के बावजूद रूपा को एक बार ऐसी घटना का सामना करना पड़ा था जिसका उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल 22 मई 2016 को पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर में रूपा को एक डरावने घटनाक्रम का सामना करना पड़ा था। एक पॉलिटिकल पार्टी की करीब 20 कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला कर दिया था। हमला इतना भीषण था कि रूपा को ब्रेन हैमरेज हो गया था। रूपा ने ट्वीट पर खुद बताया था कि हमलावरों की भीड़ ने उन्हें कार से बाहर खींच लिया जिसमें पुलिस वाले भी शामिल थे। इसके बाद उन्हें बेरहमी से पीटा गया। इस मारपीट में उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया था। तो किसी तरह अपनी जिंदगी बचाकर वहां से निकली और बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा था। बात करें उनको मिलने वाले पुरस्कारों की तो सबसे पहले आता है द्रौपदी का किरदार, जिसकी दमदार एक्टिंग के लिए उन्हें स्मिता पाटिल मेमोरियल पुरस्कार सहित और भी कई अवार्ड मिले। शेखर दास के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता बंगाली फिल्म क्रांति लाल में अपनी भूमिका के लिए 9वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री से सम्मानित किया गया। अदिति रॉय की बंगाली फिल्म ओबे शेशे में अपनी आवाज देने के लिए 2012 में सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। इस तरह खूबसूरत और बहुआयामी प्रतिभा की धनी रूपा को जिंदगी ने सब कुछ दिया सिवाय सच्चे प्यार के। उनकी निजी जिंदगी चाहे जैसी रही हो पर एक एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन के तौर पर वो कामयाब और दमदार कही जाएंगी। तो अभी के लिए बस इतना है।